वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। कॉन्गो में इस बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है जिसकी चपेट में पड़ोसी देश भी आ गए हैं। मंकी पॉक्स चेचक जैसी ही एक वायरल बीमारी है। आमतौर पर वायरस के संक्रमण से ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो जाते हैं। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का ही मेंबर है जो चेचक के लिए भी जिम्मेदार है। WHO इसलिए भी चिंतित है क्योंकि मंकी पॉक्स के अलग अलग प्रकोप में मृत्यु दर अलग अलग देखी गई है। इसलिए WHO ने इसे लेकर सबसे उच्च स्तर का अलर्ट जारी किया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनाम ग्रेबियसस ने कहा कि यह साफ है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने और जान बचाने के लिए दुनिया को मिलकर कोशिश करनी होगी। इस हफ्ते की शुरुआत में अफ्रीका की टॉप पब्लिक हेल्थ बॉडी ने अफ्रीका में एमपॉक्स आपातकाल घोषित किया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि यह वायरल इन्फेक्शन खतरनाक दर से फैल रहा है। The emergency committee met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring in countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives.